वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी मनप्रीत कौर. सो गाइस, हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. सो गाइस, इन द लास्ट चैप्टर, बेटा लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, कि किस तरीके से जो प्लांट्स हैं उनमें न्यूट्रिशन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि किस तरीके से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज़ कर सनलाइट का यूज़ कर क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में फ्रूट प्रोडक्शन कर पाते हैं, और जो लीव्स हैं वो फूड फैक्ट्रीज कहलाती हैं, राइट. सो गाइस, इन दिस चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स जो हैं वो किस तरीके से अपनी न्यूट्रिशन को ले पाते हैं. तो हमने एक चीज़ ज़रूर पढ़ी थी चैप्टर 1 में, आपको याद होगा कि एनिमल्स जो हैं हेटरोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, चाहे वो प्लांट्स हैं, ठीक है, या फिर एनिमल्स. लेकिन हर एनिमल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होता है अपनी फूड के लिए, ठीक है. सो हियर वी गो. You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. आपने पढ़ा था chapter 1 में कि plants अपना खाना खुद बनाते हैं photosynthesis के ज़रिए, but animals cannot. लेकिन animals नहीं कर पाते, हालांकि सभी जो byproducts हैं photosynthesis के लिए चाहिए वो सब होते हैं animals के पास, लेकिन chloroplast ना होने के कारण जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना, तो एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते, लेकिन प्लांट्स बना पाते हैं. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एनिमल्स जो हैं अपना फूड प्लांट्स से ले पाते हैं, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है. सो लेट मी टेक द राइट मार्क. Recall that all organisms, including humans, require food for growth, repair and functioning of the body. अब जो organism हैं, human beings हैं, उनको, animals हैं, उनको किस लिए ज़रूरत होती है food की? Growth के लिए, हमारी body की repairing के लिए, अगर कोई cell है वो पुराना हो गया या चोट लग जाती है, ठीक है, तो उनकी repairing के लिए, body की proper functioning के लिए. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. Animal nutrition में क्या क्या आ जाता है? हमारी जो ज़रूरतें हैं nutrients के regarding, वो, और किस तरीके से हम food का intake कर रहे हैं वो, और फिर हमारी body उसे किस तरीके से utilize कर रही है, ठीक है, ये सब एनिमल न्यूट्रिशन में आ जाता है. सो एनिमल न्यूट्रिशन में हमारी क्या क्या ज़रूरतें हैं न्यूट्रिएंट्स को लेकर, और हम किस तरीके से वो ले पा रहे हैं, और हमारी बॉडी उसे कैसे यूटिलाइज़ कर रही है, ये सब एनिमल न्यूट्रिशन में आ जाता है. सो यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कॉम्पोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो. आपने क्लास 6 में पढ़ा था ना कि फूड में डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, है ना. आपको उन्हें रिकॉल करना है और यहाँ पर लिखना है. कुछ तो मैंने आपको बता दिए, बाकी आप सोच के लिखिए. द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. तो आपने पढ़ा था जो मेन कॉम्पोनेंट ऑफ फूड है जो हमें एनर्जी देता है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट. वो क्या है? वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है. ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं, दे कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच. ये एज सच एज इट इज़ नहीं यूटिलाइज हो पाते, ठीक है. इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है. तो जैसे कि हम चपाती या कोई भी बड़ी चीज़ है उसको टुकड़ों में ही मुंह में डालते हैं, फिर वो छोटे छोटे पीसेस में बाइटिंग करते हैं, एंड देन वो जो है एकदम हमारी बॉडी में एंजाइम्स के थ्रू जूस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, देन ओनली वो एसिमिलेट हो पाता है, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाता है, ठीक है. ऐसे ही ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, ये पहले सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होते हैं ताकि हमारी बॉडी इन्हें यूटिलाइज कर पाए. तो ये जो प्रोसेस है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, आप देख सकते हैं यहाँ एक चेन बनी हुई है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, इसी को छोटे छोटे आप देख रहे हो सब्सटेंसेस में जो है ब्रेक कर दिया गया है, तो ये सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गए हैं, राइट. तो इसी तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं और वो सिंपलर सब्सटेंसेस में
ब्रेक हो जाते हैं, दिस प्रोसेस इज डाइजेशन. इसी को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं. ओके, सो अब हम बात करेंगे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. अब जो अलग अलग तरीके हैं फूड इनटेक करने के, किस किस तरीके से जो फूड है वो हम इनटेक कर पाते हैं, हम उस बारे में देखेंगे. सो जस्ट लेट मी टेक द करेक्ट ब्रश. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. जो ये तरीका है फूड को लेने का अपनी बॉडी में, ये अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का होता है. जैसे आप देख सकते हैं कि जो लीजर्ड है उस वो अपना फूड कैसे इनटेक करती है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम काओ, यू नो, डॉग्स, कैट्स, राइट, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स. वी ऑल आर डिफरेंट इन दैट वे, राइट. वी ऑल टेक आर फूड इन डिफरेंट वे, राइट. बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स. जो मधुमक्खियाँ होती हैं, या जो आपने देखा होगा सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड हमिंग बर्ड है, वो प्लांट्स जो हैं उनका फ्लावर्स का जो नेक्टर है वो किस तरीके से सक करता है, चूसता है. इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स में जो न्यूली बॉर्न बेबी, जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से फूड इनटेक करते हैं. मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो अपनी मदर्स मिल्क के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है. स्नेक्स है, जैसे पाइथन है या फिर और स्नेक्स हैं, वो स्वेलो करते हैं एनिमल को जिसके ऊपर वो अटैक करते हैं. कुछ एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो फिल्टर करते हैं टाइनी फूड पार्टिकल्स को, मतलब जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो पानी में जो तैरते हैं छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स, टाइनी फूड पार्टिकल्स, उनको फिल्टर करते हैं और फिर उसके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है. अब यहाँ एक एक्टिविटी है, हम उस एक्टिविटी को देखते हैं, उस एक्टिविटी में क्या कहा जा रहा है. What is the type of food and mode of feeding of the following animals? यहाँ कुछ animals दिए गए हैं आपको, आपको बताना है किस तरीके का food वो खाते हैं और वो कौन सा तरीका है feeding का, ठीक है. Write down your observations in the given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. तो snail, ant, eagle, hummingbird, lice, mosquito, butterfly, housefly, ये they all have different ways, right? आप देख सकते हैं इसमें लाइस जो है वो क्या करती है, वो ब्लड सक करती है, राइट. मस्किटो है वो भी ब्लड सक करता है. बटरफ्लाई जो है, हमिंग बर्ड है, ये क्या करते हैं, ये नेक्टर लेते हैं. एंट बाइट करती है, राइट. और इसी तरीके से ये सभी एनिमल्स हैं, इनका जो फूड लेने का तरीका है वो अलग है. यहाँ आपको इसका आंसर दिया गया है, ठीक है, कि आपको बताना है इनमें से कौन स्क्रैपिंग, च्यूइंग, सिफनिंग, कैप्चरिंग, स्वालिंग, स्पंजिंग, सकिंग, इनमें से कौन सा बर्ड किस तरीके से करता है, ठीक है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्क्रैपिंग है आप देख सकते हैं, आपको बताना है इनमें से किस बर्ड, किस एनिमल के अंदर स्क्रैपिंग मोड ऑफ फीडिंग होता है. टेल मी, स्क्रैपिंग, chewing, softening, capturing, swallowing, sponging, sucking, इनमें क्या अंतर है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ. chewing तो आपको बेटा जो है पता होगा, चबा चबा के खाना, जैसे हम ह्यूमन बींग्स खाते हैं, ठीक है. siphoning जो है इसमें क्या है बेटा, कि जो हमारा पाइप के थ्रू खाने का जो तरीका होता है, जैसे बर्ड, ये हमारी हमिंग बर्ड है, इसकी लॉन्ग बीक होती है जो कि एक पाइप का काम करती है, जिसके थ्रू ये फ्लावर्स जो है उनमें से नेक्टर ले पाता है, ठीक है. ऐसे ही हमारी बटरफ्लाइज हैं, वो भी करती हैं, ठीक है. और कैप्चरिंग, आपको पता है कैप्चर करके पकड़ के खाना, स्वेलो का मतलब एज इट इज़ निगल लेना, ठीक है. स्पंजिंग जो है अपना जो जैसे आपने देखा होगा स्पंजिंग में, आपने हाउस फ्लाइज को देखा होगा, इनका क्या काम होता है, ये अपनी बॉडी में से अपनी एक अपना जो सलाइवा होता है पहले वो फूड में डालते हैं, उससे वो एक जूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद वो उसको जो है इनगल्फ कर लेते हैं फूड को, ठीक है. सकिंग में सीधा चूसना, जैसे कि लाइसेज हैं वो खून चूसती हैं, ठीक है. अब अगर हम बात करें स्क्रैपिंग की, लास्ट स्क्रैपिंग जो है बेटा, इसमें आपने जैसे एंट को देखा होगा, एंट्स जो होती हैं
वो क्या करती हैं बेटा, जो एंट्स हैं वो क्या करती हैं, वो अपने जॉज जो होते हैं उनमें जो फूड पार्टिकल है उसे फंसा लेती हैं और उस तरीके से फिर उसे खाती हैं। इसी तरीके से स्नेल्स करते हैं। तो ये जो तरीका है जॉज के थ्रू, जॉज में फंसा के फूड पार्टिकल्स को खाना, दैट इज़ स्क्रैपिंग। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया है स्क्रैपिंग क्या है, च्यूइंग क्या है। च्यूइंग हमारी तरह से चबा चबा के खाना, जैसे ज़्यादातर एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, सैफनिंग क्या है मैंने आपको बताया, जैसे कि बटरफ्लाई, मस्किटोज, हमिंग बर्ड, ये अपना जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, इसके ज़रिए जो फीडिंग लेते हैं, कैप्चरिंग पकड़ कर खाना। तो इसमें स्नेल में आपने देख लिया स्क्रैपिंग होती है, एंट में भी स्क्रैपिंग होती है, ईगल में क्या होता है आप बताइए मुझे, ईगल में क्या होता है, कैप्चरिंग होती है। हमिंग बर्ड में क्या है, हमिंग बर्ड में साइफनिंग होती है, लाइस में सकिंग होता है, मस्किटो में क्या होता है, उसमें भी साइफनिंग होती है, बटरफ्लाई में भी साइफनिंग होती है, और हाउस फ्लाई जो है उसमें क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, यस स्पंजिंग। ठीक है, तो इन दैट वे दे टेक देयर फूड। ओके सो गाइज, यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट है, वो हम एक बार देख लेते हैं क्या है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा आपने ये जो स्टारफिश है वो ज़रूर देखी होगी डिस्कवरी पर, ठीक है, या कभी अपनी लैब में भी देखा हो, बायो लैब में ये स्पेसिमेन देखा होगा स्टारफिश का। स्टारफिश जो हैं वो एनिमल्स को खाती हैं, उन एनिमल्स को, ठीक है, जो कि हार्ड शेल्स से कवर्ड होते हैं। जैसे आप देखते हो कि जो हमारा स्नेल्स होते हैं ज़्यादातर वो कैल्शियम कार्बोनेट से के शेल से कवर्ड रहते हैं। ठीक है, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर ओपनिंग द शेल। जब शेल खुल जाता है स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक। जो स्टारफिश है वो अपना पेट निकालती है थ्रू इट्स माउथ, अपने माउथ के जरिए, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, ताकि वो उस एनिमल को खा सके जो कि उस शेल के अंदर है। द स्टमक देन गोज बैक इन टू द बॉडी। फिर उसकी जो स्टमक है फिर उसकी बॉडी में ही आ जाती है स्टारफिश की, एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। और इस तरीके से फूड जो है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। तो ज़्यादातर जो स्नेल्स होते हैं, सीपिया, मोलस्का, ये जो एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी के आसपास शेल होता है, उनको स्टारफिश खाती है। ठीक है, कैसे खाती है वो आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में। ओके, टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम बात करेंगे किस तरीके से स्टारफिश शेल एनिमल्स को खाती है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।